नमस्कार, चार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर आज मंथन होने जा रहा है। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में कई प्रत्याशी के टिकट कट सकते हैं। आज झारखंड की दो सीट चतरा और धनबाद सीट पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बाकी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की चर्चा होनी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी ने दूसरी लिस्ट की तैयारी शुरू कर दी है और टिकट पर बीजेपी कोर ग्रुप में मंथन, और इस मंथन के जरिए खास करके जो दो सीट है चतरा और धनबाद सीट, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि चतरा और धनबाद में प्रत्याशी तय करने को लेकर बीजेपी पशुपेश में दिख रही है। दरअसल चतरा सीट पर बीजेपी प्रदेश कमेटी ने बाकी विधायक शशि भूषण मेहता का नाम सबसे ऊपर भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने पाया कि मेहता का नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी में था ही नहीं। वहीं प्रदेश कमेटी ने रांची लोकसभा सीट के लिए प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा का नाम प्रस्तावित किया था और संजय सेठ के नाम प्रदेश से गई सूची में कहीं नहीं था। मिल रही जानकारी के मुताबिक यहां भी केंद्रीय नेताओं ने हस्तक्षेप किया और संजय सेठ का नाम रांची से लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए फाइनल कर दिया। तो चतरा धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के संशय है, पशुपेश भी है, क्योंकि मतभिन्नता नजर आ रही है और चतरा धनबाद सीट पर पेच अब भी बरकरार है। हालांकि दूसरी जो लिस्ट जारी होगी उसके लिए मंथन किया जा रहा है किस पर कौन से प्रत्याशी दिए जाएं। भ्रष्टाचार को लेकर सुरेन परिवार पर मुकदमा चलेगा। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। निशिकांत दुबे ने ही इस सिलसिले में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने सुरेन परिवार के सदस्यों पर इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के हलफनामे में 108 संपत्ति का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी पर कोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद लोकपाल ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो राजनीतिक तरीके से परास्त नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिन संपत्तियों का जिक्र, कौन सी संपत्ति है, किसका जिक्र है, वो तो जिन्होंने कैद की है वही जाने बेहतर तरीके से। और जो भी संपत्ति का जिक्र है, चाहे जो संपत्ति है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। सभी एफिडेविट जो चुनाव के वक्त दिए जाते हैं, उन एफिडेविटों में सारी संपत्तियों का जिक्र होता है। बीजेपी ने लोकपाल की ओर से शिबू सोरेन और उनके परिजन के अवैध अर्जित संपत्ति की सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया है कि मोदी के न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार करके कोई नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि लोकपाल की ओर से इस पूरे केस की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेएमएम के शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और अब उसके राजनीतिक अंत का समय निकट आ गया है। जनता पार्टी लोकपाल के द्वारा शिबू सोरेन और उनके परिजनों के बेनामी संपत्ति के जांच के आदेश का स्वागत करती है और हमारा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है। आप भ्रष्टाचार करके बड़े पदों पर रहकर भी नहीं बच सकते। तो हमारा मानना है कि अब शिबू सोरेन परिवार ने जो अकूत और अथाह संपत्ति, 108 संपत्तियों का हलफनामा जो उन्होंने दिया था, इसके अतिरिक्त भी कई सौ संपत्तियां इनके होने की आशंका है, तो उन सारी संपत्तियों की अब जांच सीबीआई करेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये एक बड़ा झटका है। इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया था, लेकिन कहते हैं ना, एक दिन अति अंत होता है और शायद उसी राजनीतिक अंत की ओर अब झामुमो बढ़ रही है। तो हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत संभालने की राह पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। कल गिरिडीह की सभा में कल्पना सोरेन भावुक नजर आई थी। इस पर जेएमएम की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, उससे आम जनता की भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आगामी चुनाव में केंद्र सरकार और बीजेपी को उसकी राजनीतिक औकात बता दी जाएगी। कल्पना सोरेन की आंखों में आंसू नहीं है। तमाम झारखंडी जनता, आप चले जाइए सुदूरवर्ती गांवों में, देहातों में, जंगलों में, पहाड़ों में, किसी आदिवासी परिवार के बीच में, मूलवासी झारखंडी परिवार के बीच में
आप उनसे पूछिए, उनकी आंखें भी बक बक चलक जाती है। ये जो आंसू है, चाहे वो कल्पना सोरेन जी के आंसू हों, चाहे हम जैसे कार्यकर्ताओं के आंसू हों, चाहे झारखंडी आवाम के आंसू हों, हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले चुनाव में। तमाम झारखंडी कमर कस चुका है और इनको इनकी राजनीतिक औकात बताने का समय आ गया है। सभी लोग अब मुस्तैद हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज चाईबासा से चुनावी शंखनाद करेंगे। इस मौके पर खुटकट्टी ग्राउंड में सिंहभूम लोकसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें पूरे संसदीय क्षेत्र के 1715 बूथ के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। सिंहभूम से गीता कोड़ा को बीजेपी उम्मीदवार बनाने के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। सिंहभूम संसदीय सीट से बीजेपी ने गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी की खोज में जुट गई है। सिंहभूम संसदीय सीट से उम्मीदवार को लेकर जिला कमेटी के साथ मंथन करने झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि सिंहभूम सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने देखा, हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम एज ए इस जिला का इंचार्ज हम इसी तरीके से रिपोर्ट कर लेंगे। पाकुड़ में वोटर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। 22 जनवरी को जारी फ्रेश वोटर लिस्ट में वोटर की तादाद बढ़कर 8,26,980 हो गई है। अचानक वोटर्स की संख्या बढ़ने पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सवाल उठाया है और इसके पीछे घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जेएमएम विधायक ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है। यह तो आश्चर्यजनक है कि इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि, खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र हो या राजमहल विधानसभा क्षेत्र हो, खास करके जो गंगा सटा हुआ या पश्चिम बंगाल सटा हुआ, तो इन क्षेत्रों में जो अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और जांच करते हुए यह जो है इस बात का प्रतीक है कि यह जो अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है, आखिर यह किस कारण से हुआ है। अभी इसकी समीक्षा हुआ है, अब आने वाला वक्त में सरकार देखेगी कि किस हिसाब से। अभी तो जाति गणना कास्टिज्म जो ये है ना, जाति जनगणना के लिए भी सरकार ऑर्डर दे दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, इसके बाद ही कोई निर्णय ले सकेगी। ये अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका निर्णय कैबिनेट में लिया जाए। ये बात में अभी 8,29,000 से ज्यादा हमारे यहाँ वोटर है, तीनों एसी मिलाकर, जिसमें साहिबगंज का बरहवा प्रखंड और आपका दुमका जिला का है सो आपका गोपी कांदर प्रखंड भी शामिल है। और अगर मैं देखूं पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में, तो उसमें 7,23,000 वोटर थे और अभी 8,29,000 हो गए, तो अगर टोटल में देखूं तो लगभग 1,06,000 के आसपास है सो वोटर है सो पिछले लोकसभा चुनाव के कंपेयर में बढ़े। गुमला से बड़ी खबर है, जहां चैनपुर और चारी प्रखंड में हाथी का उत्पात देखने को मिला है। हाथी के आतंक से दहशत में लोग हैं। सदान बुकमा और बम्बनी गांव में उत्पात हाथियों का देखने को मिला है। किसान के घर को हाथी ने ध्वस्त कर दिया है। गेहूं की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया गया है। लोगों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथी किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, उसकी तस्वीर सामने आई है। सदान बुकमा बमनी गांव में उत्पात इनका देखने को मिल रहा है, जहां पर किसान के घर को हाथी ने ध्वस्त किया है। दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में डीसी की ओर से पीड़ित महिला के पति को 10,00,000 के मुआवजा का चेक सौंपा गया। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 10,00,000 रुपए की सहायता राशि पीड़ित के परिवार को दी गई। इधर गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई की पीड़ित के पति की सराहना की, साथ ही पूरे मामले में कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार और पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि दुमका में हस्टिया थाना क्षेत्र के कुरमा पहाड़ी इलाके में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इधर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसने 7 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी 4 की तलाश में छापेमारी जारी है। Thank you. Thank you. Thank you, our police. Sorry. Thank you.
अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़की के लिंग अनुपात में होने वाली कमी को रोकना है। वहीं एक अच्छी खबर आई है कि झारखंड में पिछले साल की तुलना में सेक्स रेशियो बढ़ा है। रांची के सिविल सर्जन ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है, जिसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। पिछले साल 1000 लड़कों पर 946 लड़कियां थी, जो इस बार बढ़कर 988 तक पहुंच गई है। अब स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि लड़के और लड़की की संख्या को बराबर किया जाए। सिविल सर्जन ने इस अभियान में मीडिया के योगदान की भी सराहना की है। पिछले वित्तीय वर्ष में 946 बेटियां जन्म ले रही थी, 1000 बेटा जन्म ले रहे थे, वो बढ़ करके अभी 988 हो गया है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है, लेकिन हम लोग 1000 तक इसको निश्चित रूप से ले आएंगे। यानी कि 1000 बेटा जन्म ले रहा है तो 1000 बेटी भी जन्म ले, या 1000 से ज़्यादा भी जन्म ले लेकिन कम नहीं। तो पॉजिटिव साइड में हम लोग का अचीवमेंट है, और इसके लिए मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है। क्योंकि आप लोग जो न्यूज हर जगह डालते हैं, उससे लोग डर करके भी सारे लोग जो गलत काम करते हैं वो बंद कर रहे हैं अपनी दुकान। झारखंड में 7 मार्च तक मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया गया। बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी के साथ मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बन रहा है, जिसका असर झारखंड में पड़ सकता है। इससे पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 8 मार्च के बाद मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। कल 5 में झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है, और 6-7 में झारखंड के जो दक्षिणी भाग हैं, कोल्हान और उससे सटे हुए इलाकों में ही कुछ कुछ जगह पे हल्के दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। 8 तारीख से झारखंड में मौसम बिल्कुल शुष्क है, ड्राई है, और गर्जन वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। हवा के झोंके गर्जन वज्रपात के समय 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो लोग अपना जो गर्जन वज्रपात के समय खास ख्याल रखें, पेड़ों के नीचे ना रहें, सुरक्षित स्थान पर शरण लें, और कच्चे पक्के मकान से थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं। जो उतने मजबूत नहीं है मकान, उनसे थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। राज्य में पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट को लेकर कार्यशाला हुई, जिसमें झारखंड के साथ साथ 5 राज्य के प्रतिनिधि जुटे। इस मौके पर पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के साथ साथ जनजीवन में सुधार के अलावा वन अधिकार पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज और झारखंड की पंचायती राज निदेशक निशा उराव ने कहा कि पेसा एक्ट लागू होने से गांव गांव में विकास की गति को बल मिलेगा। ट्राइबल बहुल इलाके जो हैं, उनमें ये लागू हो गया था 1996 में। एक एक करके सब राज्यों ने उसके हिसाब से रूल्स बनाए हैं। झारखंड में भी वो प्रक्रिया शुरू है और अंतिम चरण पर है। मुझे आशा है कि कुछ महीनों के अंदर ही यहाँ पर भी रूल्स बन जाएंगे और पूरी तरह से उसके बाद झारखंड में ये कानून लागू हो जाएगा। ऐसा जो नियमावली है राज्य सरकार द्वारा वो तैयार कर ली गई है और वो कैबिनेट भेजने की प्रक्रिया में है। हाईकोर्ट ने फिर से झारखंड पंचायती राज एक्ट को मान्य ठहराया 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और उन्होंने अपना ये अंतिम निर्णय दिया। उसके बाद ही ये जो पेसा नियमावली का जो निर्माण का जो कार्य था उसमें थोड़ी तेजी आई, अलग अलग विभागों से मंतव्य प्राप्त किया गया और उसके पश्चात ड्राफ्ट का प्रकाशन किया गया। खबर रामगढ़ से, जहां लगातार बारिश होने से रामगढ़ ललपनिया मेन रोड पर सोनटिया बाजार में घुटने भर पानी जमा हो गया है। इससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। 4 दिन से हो रही बारिश से हालात और भी खराब है। वहीं सड़क के दोनों ओर नाली नहीं रहने से ये हालात सामने आए हैं। सड़क पर पानी भर जाने से गाड़ी चालकों को रास्ते का अंदाजा नहीं मिल पाता है, जिससे हादसे होते रहते हैं। वहीं गाड़ियों के आने जाने से सड़क का गंदा पानी घर और दुकान में भी घुस जाता है। ये सड़क रामगढ़ जिले के मांडू कुजू कोयलांचल को बोकारो जिले के ललपनिया गोमिया से जोड़ता है। लोगों ने रोड के किनारे नाला नहीं बनाए जाने पर चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये मेरा घर है और हल्का बारिश के कारण से मेरा घर में पूरा पानी घुस जाता है। आवाजाही वाले लोग जितने भी हैं, बाइक वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले, स्कूल वाले, सब आपस में झगड़ जा रहे हैं और डेली कला हो रहा है। हल्का बारिश में भी 4 दिन हो गया और पानी का जमाव पड़ा हुआ है।
बाल विवाह जैसे अभिशाप के मामले में गिरिडीह जिला पूरे झारखंड में चौथे नंबर पर है। वहीं बाल विवाह और बाल तस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है। ऐसे में एनजीओ की ओर से ग्रामीण इलाकों में इस कुरीति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह की कुप्रथा को खोरी महुआ एसडीएम ने गंभीरता से लिया है और एनजीओ के साथ मिलकर बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। एनजीओ के सदस्यों के साथ मीटिंग में उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं ताकि इस कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सके। का कदम है कि बाल विवाह रोके, तो हम अपने तरफ से अपने क्षेत्र में उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है लोगों को, ताकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुचित शिक्षा एवं जन चेतना के कमी के कारण ये सब हो रहा है, तो लोगों में जन चेतना लाने की आवश्यकता है। लोग जागरूक होंगे और समझेंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम है, तो निश्चित तौर पर बाल विवाह रुकेगा। उसके बावजूद भी लोग करेंगे तो फिर हमारा इन्फोर्समेंट है। जमशेदपुर में अवा डेंटल कॉलेज ने जटिल और अनोखा ऑपरेशन कर एक मरीज को नई जिंदगी दी है। दरअसल मुंह का जबड़ा नहीं खुलने से विशाल प्रताप पिछले 8 साल से बेड पर पड़ा था। मुंह नहीं खुलने से न तो वो कुछ खा सकता था और न ही कुछ पी सकता था, लेकिन अब जबड़े के सफल ऑपरेशन के बाद विशाल प्रताप अब पूरी तरह से स्वस्थ है। इस जटिल ऑपरेशन का अधिकतर खर्च अवा डेंटल कॉलेज ने ही वहन किया है। मरीज विशाल प्रताप सरायकेला के गमरिया का रहने वाला है। बता दें कि इस जटिल ऑपरेशन के बाद अब मरीज अपना मुंह खोल सकता है और सामान्य जीवन जी सकता है। इस ऑपरेशन को डॉक्टर निखिल जैन और डॉक्टर अभिषेक दत्ता ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उसको काफी जगह पे दिखाया, जब वो हमारे पास आया तो हमने उसका एक सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में हमको पता चला कि जो आप ये मैंडिबल देख रहे हैं, इसका जो ये प्रोसेस है, ये काफी बढ़ के अंदर तक आ गया है और ये जो जॉइंट है ये इसके साथ फ्यूज हो गया था, इसलिए पेशेंट का मुंह जो है वो खुल नहीं पा रहा। तो सर्जरी डिफिकल्ट इसलिए थी क्योंकि मुंह जो है वो खुल नहीं पा रहा था, इसलिए हमने उसकी ट्रेकियोस्टोमी कराई गई जिससे कि वो सांस लेते। और सर्जरी इसलिए जटिल थी क्योंकि सर्जरी पूरी चेहरे के बाहर से ही करना थी। सालों से भैया का मतलब जबड़ा में खुलने का दिक्कत हो रहा था, तो बहुत इलाज कराने का इधर उधर भटके, फिर यहाँ एक जन का मतलब रेफर मिला कि यहाँ एक बार चेक करा लो, अच्छा है। फिलहाल हम लोगों को जो रिजल्ट दिख रहा है बहुत ही बढ़िया है। पहले एक उंगली खुलता था, अभी डॉक्टर साहब जो सर्जरी किए हैं उससे अभी 3 उंगली खुल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।